सरकार ने रिव्यू पिटीशन तब फाइल किया जब सरकार थोड़ा सा लगा कि आइसोलेट हो गई है, क्योंकि उनके अपने एमपीज, उनके अपने एलाइज उनका साथ नहीं दे रहे थे। इस विषय पर एनडीए के सभी घटक दल और सांसद एकमत थे। इतने सारे लोगों की जान भी जा रही है मध्य प्रदेश में, पंजाब में भी इसको लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट है, तो एक कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस कम्युनिटी का शैटर हुआ है, उसको आप कैसे इस समय रिस्टोर करेंगे? आगे कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों के लिए कृतसंकल्पित है। बिहार के इलेक्शंस के टाइम में भी देखा गया था कि कुछ स्टेटमेंट्स सरकार की तरफ से ऐसे आए थे कि शायद वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। रिजर्वेशन पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की पक्षधर थी, है और आगे भी रहेगी। विपक्षी दल हमेशा यही बोल रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एंटी दल है। विपक्षी दलों को दुष्प्रचार से दूर रहकर के सकारात्मक विरोध पक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। तो क्या आप विपक्षी दलों को एक्सपोज करेंगे? मैं जो वस्तुस्थिति वो बता रहा हूँ। SCST Atrocities Act, what next? Watch To The Point with Minister of Social Justice and Empowerment, Thawar Chand Gehlot, only on Rajya Sabha Television.